अपन मेहनत से सबला अंजोर मार देबो ते है एक मांग बे हमन सात आठ देबो हमार बात ला मान लेते काका हमन बिजली वाले हरन तो लाइन काट देबो तो लाइन काट देबो। तो सत्ताधीशों में बैठे सरकार और सरकार के नुमाइंदों को ये दिखाना चाहूंगा कि ये हाथ है उन छत्तीसगढ़ युवाओं का जो लगातार आपके घर तक बिजली पहुंचाते हैं और ये हाथ कई बार चपेट में आ जाते हैं। अगर ये हाथ पूरी तरह से चपेट में आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि काम के लायक नहीं रहेंगे। कि ये अगर हाथ और कुछ हो जाता, अपने बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अपना हाथ खो दिए हैं, पैर खो दिए हैं। खाना पीना कैसे होता है ये बताओ मुझे, क्योंकि 44 दिन उससे पहले और घर में स्थिति कैसी है? हाँ, तो पैसे प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें क्या है, हम अपने कुछ पर्सनल चीज़ को गिरवी रख दे रहे हैं ताकि जिसे हम लोग अपने, और खाने पीने की बात हुआ तो हम लोग क्या है कहीं भंडारा मिलते रहता वहाँ खा लेते हैं। और हमने दुख दर्द तू चुन पता है, सब आदमी हम के 26 आदमी खत्म हो गए हैं। अब भरोसा सुबह से तो भरोसा है, अब सुनेंगे। ये यहाँ पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आया था, आज खुद वो शहीद हो गया, अब उनके लिए भी हमको लड़ना पड़ रहा है। पहले बूढ़ा तालाब धरना स्थल में कोई लाइट बंद होता नहीं था, हमारे जब जब जाते हैं तो लाइट बंद हो जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमको मिला है, बातचीत करेंगे तभी हल निकलेगा। यहीं से अब 44 दिन हो गए हम लोगों का हड़ताल का, अब यहीं रहते हैं, मच्छर वच्छर काटता है गंदे नाली के पास। आधी रोटी आधी पेट, संविदा कर्मी चढ़ गए भेंट। ये नज़ारा है राजधानी रायपुर का, जहाँ पर आप सीधे तस्वीर देख रहे हैं। स्ट्रीट लाइट बंद है, लेकिन ये कर्मचारी है अपने जो मोबाइल का टॉर्च ऑन किया, सात तस्वीरों में मैं कैमरामैन को कहूँगा कि तस्वीर दिखाए कि किस तरीके से राजधानी रायपुर में 44 दिन से आंदोलन कर रहे इन संविदा कर्मचारियों की व्यथा अब तक सुनने के लिए कोई नहीं आया है। ये साफ तौर पर लगातार 44वें दिन भी ये आरोप लगा रहे हैं ये कर्मचारी। कुछ लोग उनसे बातचीत करते हैं, स्ट्रीट लाइट बंद है फिर भी फ्लैश लाइट जलाकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकले हैं, क्या वजह है 44 दिन तक अब तक सरकार ने सुनी है न ही प्रबंधन सुनी है? मैं ये कहना चाहूँगा, पहले बात तो यहाँ ऐसे अधिकारी नहीं भेजना चाहते जिसको सीएम के साथ मिलाने के लिए ऑथोराइजेशन नहीं है। फालतू का टाइम वेस्ट होता है, हमारा भी टाइम वेस्ट होता है, उनका भी टाइम वेस्ट होता है। हम तो ऐसे चाहते हैं जो ऐसे अधिकारी यहाँ पे आए जो सक्षम हो मिलाने के लिए, उनके OSD आए जो हमारी बातों को पहुँचाने के लिए। ये अभी तक कई बार हम पत्र दे चुके हैं, जो कि पत्र पर पत्र दे रहते जा रहे हैं, पत्र पर पत्र दे रहे हैं सिर्फ, लेकिन पत्र का एक भी जवाब नहीं आता है। पिछले बार हमने जब यही CM और ऊर्जा मंत्री का घेराव किए थे तो यही पास आकर हमको फिर रोका गया, फिर वहाँ पर हमको बहुत जीत के बाद ADM को बुलाया गया, एडिशनल कलेक्टर को। ADM के आने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद आपको मिलाने के, लेकिन एक सप्ताह हो चुका है अभी तक हमको CM का बुलावा नहीं आया। तो हम सिर्फ चाहते हैं अपने मुद्दों को CM के पास रखना चाहते हैं, ना कि हम यहाँ आके शोर शराबा करना चाहते हैं। हम बताते हैं कि CM साहब भूपेश है तो भरोसा है, बस अभी बोलते हैं कई न्याय योजनाएं चला रही है, गोधन न्याय योजना, राजीव किसान न्याय योजना, सभी न्याय योजना चला रही है, लेकिन आपके विभाग में कार्यरत संविदा कर्मी जिन्होंने 26 लोगों ने जान दे दिया है, तो उनके लिए आप न्याय दिलाइए, आपके न्याय योजना को एक कदम आगे बढ़ाइए, हमको न्याय दिलाइए जल्द से जल्द, हम इसी के यहाँ पर बैठे हैं। और आज तो ऐसा हुआ कि चार अज्ञात व्यक्ति यहाँ पर आए हैं, वह अज्ञात व्यक्ति कौन है? हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं, तो हमको शांतिपूर्ण तरीके से हम बैठने दीजिए, यहाँ आंदोलन को तोड़ने का साजिश ना कीजिए। यही मैं चाहता हूँ CM महोदय से कि हमसे वार्ता करें, हमारे शीर्ष प्रतिनिधि आपके पास जाएंगे, हमारी मांगों को रखेंगे, अधिकारी पहुँचा नहीं पा रहे हमारी बातों को तो हम आपके पास आने। सबसे बड़ा सवाल है जो आपने जिक्र किया कि आंदोलन को तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है, साजिश किया जा रहा है, कौन लगता है कौन ऐसे लोग हैं जो साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं? अब देखो ID तो मैं ही देता हूँ, तो किसी ऐसे गहरे लोगों को नहीं दूंगा, जो अपने लोग हैं वही है, वो ID कहाँ से जुगाड़े उनको पता नहीं, वो कौन से नुमाइंदे हैं उनको भी हमको पता नहीं, कहाँ से क्या चाहते हैं शासन प्रशासन इनको भी पता नहीं हमको। हम चाहते हैं उनसे बार बार विनती कर रहे हैं, हम शांति तरीके से ही कर रहे हैं, अभी तक आंदोलन कर रहे हैं, हमको आंदोलन करने दीजिए। भारत में आंदोलन करने का अधिकार दिया है, अपनी मांगों को रखने का अधिकार दिया है। पूर्ववर्ती सरकार में 2 साल में नियमितीकरण किया गया है प्रबंधन में, तो हम वही मांग जायज मांग को ही लेकर आप लोग अपनी मांग रख रहे हैं, मांग किन से, प्रबंधन से, सरकार से है? मांग प्रबंधन देगा सरकार को, सरकार अनुशंसा करेगा तब उनका हमारा नियमितीकरण होगा। पिछले सरकार में भी डॉक्टर रमन सिंह जी ने उनसे बात किया है तो उन्होंने बताया कि आपका 2 साल में नियमितीकरण मेरे अनुशंसा पर होता है, तो कहीं ना कहीं CM का ही रुका हुआ है हमारे ऊपर कई बात। तो हम चाहते हैं CM साहब जिससे पूरा CM जैसे अनुशंसा देते थे वैसे अनुशंसा हमको दीजिए, हमें न्याय दीजिए। आपने कहा भूपेश से तो भरोसा है, पिछले बार भी आपने कहा था, फिर आंदोलन खत्म हुआ,
आश्वासन मिलने के बाद, लेकिन अब भी लग रहा है 44 दिन हो गए, भूपेश से तो भरोसा है? हमने तो सिर्फ, हम बालक है, अभी जस्ट आंदोलन करना सीखे हैं। हम नहीं जानते कि राजनीति क्या होता है। हम राजनीति करना हमको नहीं आता, हम कर्मचारी हैं, हम अपनी मांगों को बस रख रहे हैं। उन्होंने राजनीति कर हमको छलवश यहाँ से भगाया, वो तो हम जैसे अपने बच्चों को कुठाराघात मार रहे हैं। तो यही चाहता हूँ मैं, ऐसा हमको कुठाराघात ना मारे, हम आपके ही बच्चे हैं, हमको न्याय दीजिए। जिस तरह सबको न्याय मिल रहा है उसका, उसी तरह हमको भी न्याय दीजिए। विवेक भगत जी, कितने दिन से आप लोग यहाँ पर पहुँचे और कहाँ से आए हैं, और क्या कुछ मांग है जो अब तक पूरा नहीं हुए हैं, और कब तक आप लोग ये आंदोलन रखेंगे? हम लोग लगातार 44 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें हमने सरकार को एकदम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करके हमने सरकार से गुहार लगाने की कोशिश की, चाहे वो हमारा माथा टेक प्रदर्शन हो, या करनाप हो, या फिर जल समाधि हो, या फिर फांसी सांकेतिक प्रदर्शन के माध्यम से। हमने पूरी जीरो जोर कोशिश की कि सरकार हमारी बातें सुने, कंपनी प्रबंधन हमारी बातें सुने, लेकिन अभी तक ना सरकार के किसी आला अधिकारी के द्वारा हमसे मुलाकात करने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आया है। इस कार्य के दौरान, इस हड़ताल के दौरान हमारे एक साथी जो हड़ताल में उपस्थित था, आया था, उसकी सड़क दुर्घटना के दौरान मौत हो गई। उसके लाश को भी हमको मर्चुरी के सामने लेकर बैठना पड़ा। तो ये कैसा न्याय है? हमारे भाइयों के साथ में कैसा न्याय है? वो जो साथी मेरा ये यहाँ पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आया था, आज खुद वो शहीद हो गया, अब उनके लिए भी हमको लड़ना पड़ रहा है। इसलिए हमारे विभाग में अनुकंपा नियुक्ति बहुत ही जरूरी है। सभी विभाग में अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। हम विद्युत संविदा कर्मचारियों के साथ में न्याय करें, हम यही आपके माध्यम से सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं। और अगर सरकार इसी प्रकार से हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो हम बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से गांधीवादी नीति के साथ में हम आंदोलन करेंगे। ये सर, तो निश्चित तौर पर गांधीवादी नीति तरीके से लगातार 44वें दिन प्रदर्शन जारी है। ये प्रदर्शन छत्तीसगढ़ के उन युवाओं का प्रदर्शन है जो लगातार जान जोखिम में डालकर बिजली आपके घर तक पहुंचाते हैं। अगर बिजली 2 मिनट गुल हो जाता है तो आपकी आफत आ जाती है। और ये जो महीना चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, वो गर्मी का समय है, तो आप बखूबी समझ सकते हैं अगर आपके घर में 2 मिनट भी बिजली गुल होता है तो आपकी हालत क्या हो जाती है, पसीने से थरथर करने लग जाते हैं। लेकिन ये जो संविदा कर्मचारी है, मैं इनकी हालत देखा, और हालत देखने के बाद कुछ तस्वीरों को भी देखा, तस्वीरें देखने के बाद दिल झकझोर देगा, क्योंकि उनकी हालत जब बिजली में चपेट में आते हैं तो उनकी हालत क्या होती है, उनके परिवार वालों का क्या हाल होता है। कई हम नहीं दिखाना चाहते, लेकिन कुछ लोग उनसे बातचीत कर। अरविंद, कहाँ से पहुँचे भाई, और क्या लगता है सरकार आपकी मांग सुनेगी? भूपेश से तो भरोसा है। हम लोग 44 दिन से यहाँ बैठे हैं, और आपके माध्यम से मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, अपना जो बिजली बोर्ड है वहाँ जो कर्मचारी हैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, हमारे काका से अनुरोध करना चाहता हूँ, वो हमारी मांग को जल्दी जल्दी सुने और उसमें अनुशंसा करें, और हमारे पक्ष में कुछ सकारात्मक निर्णय ले, जिसके कारण, जिसके बाद हम लोग अपना कार्य क्षेत्र में उपस्थित हो सकें और यहाँ से हम लोग जा सकें। तो ये तमाम कर्मचारी हैं जो आश्वासन चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि इनकी जो मांग है वो सरकार सुने, क्योंकि भूपेश है तो भरोसा, ये नारा इन युवाओं ने सुना है, क्योंकि युवा प्रॉपर छत्तीसगढ़ से, और सभी इसको छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री से उम्मीद बहुत है, इनका साफ तौर पर कहना है। और ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया युवाओं का छलावा ना हो, और कुछ युवा उनसे भी बातचीत करते, क्या लगता है? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, हम लोग जब भी मुख्यमंत्री जी से मिलने जाते हैं बीच रास्ते में रोक दिया जाता है। पहले बूढ़ा तालाब धरना स्थल में कोई लाइट बंद होता नहीं था, हमारे जब जब जाते हैं तो लाइट बंद हो जाती है। दूसरा जो है, हमारे विभाग में, हमारे लाइनमैन में कोई भी महिला पुलिस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी महिला पुलिस वहाँ खड़े रहती है। हम लोग पूरा मुख्यमंत्री द्वार तक जा सकते हैं, जब हम सिर पटक सकते हैं, जब हम लोग जो है अर्धनग्न प्रदर्शन कर सकते हैं, आत्मदाह करने के लिए तैयार हो सकते हैं, तो हम लोग जो है यहाँ से जा भी सकते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से हमको मिलाया ही नहीं जाता है। मुझे पूरा भरोसा है, अगर मिलेंगे तो बिल्कुल बात को सुनेंगे, लेकिन हमको पहले तो ये बताएं कि बूढ़ा तालाब धरना स्थल में हम जब आते हैं तो लाइट बंद हो जाती है, पहले तो होता नहीं था। दूसरा ये है कि हम लोग जो है यहाँ आते हैं तो वो बताया मैं कि महिला पुलिस सामने आती है, जबकि हमारे यहाँ कोई भी महिला है ही नहीं। तो हमको कृपया करके, हम लोग यही निवेदन करते हैं बार बार, कलेक्टर महोदय जी हमें आश्वासन भी दिए थे कि हम जो है आपको मुख्यमंत्री जी से मिलाएंगे, उसके बावजूद भी आज 7 से 8 दिन हो गया, 3 दिन के अंदर बोले थे तो ना समय भी नहीं मिल पाया, उसी लिए हम अड़े हुए हैं ताकि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल सके, अपनी बात को रख सके।
और हम लोग जो है इतने दिन से बैठे हुए हैं 44 दिन, कंपनी के लोग हमसे पूछने नहीं आते, कहते हैं कि आप कार्य पे वापस लौटे, आप जो है व्यर्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ हम जो है हमारे रहते 3000 की भर्ती अगर निकाल रही है तो क्या इसके हम व्यर्थ के लिए लड़ रहे हैं? हमारे रहते विभाग में 6 साल से कार्य कर रहे हैं, उसके बावजूद भी नियमित भर्ती निकाले, पहले हमको नियमित करना चाहिए था, उसके बाद नियमित भर्ती निकालना चाहिए। तो मैं शासन प्रशासन से यही गुहार लगाता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी हमको मिलाए, बातचीत करेंगे तभी हल निकलेगा, ऐसे चुप्पी साधने बैठने से नहीं होगा। ये मिलने में अड़ंगा कहाँ रहे? सबसे पहले बता दूं, बात हम पहुंचा नहीं रहे ना, कंपनी प्रबंधन के लोग गलत गलत बातें हमसे पहुंचा रहे हैं, कहते हैं कि इनके प्रावधान में नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब 2003 2007 2009 और 2011 में नियमितीकरण हुआ तो अभी क्यों नहीं? जब 2019 में ऑर्डर निकल गया था तो ऑर्डर कहाँ गया मुझे बताया शासन प्रशासन और प्रबंधन के लोग कि 2019 में ऑर्डर निकला था, ऑर्डर आखिर गया कहाँ? माननीय शुक्ला जी जब चेयरमैन जी थे, पूर्व चेयरमैन, वो हमें आश्वासन दिए थे, उसके बावजूद भी किसी प्रकार का हमको जो है कभी सूद ही हमारा नहीं ले रहा है। ठीक है, तो सूद नहीं ले रहे हैं ये अधिकारी है या सरकार है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये संविदा कर्मचारी प्रदर्शन करें, लंबे समय से 44वें दिन हो गए, लगातार कई तरीके से इन्होंने प्रदर्शन जारी रखा है, तस्वीर दिखाएंगे पूरी तरीके से। ये पूरे छत्तीसगढ़ से पहुंचे और लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और हाथों में तख्तिया है इनका, जो प्रदर्शन बता रहा हूँ। पहले इन्होंने माथा टेक किया था, उसके बाद सौ यात्रा भी किया था, लंबी दूरी है इन कर्मचारियों का और लगातार इनका जो साहस वो लगातार देखने को मिल रहा है। कुछ युवाओं से बातचीत करेंगे, क्या लगता है कहाँ से पहुँचे आप? दंतेवाड़ा जिला। क्या उम्मीद लेकर पहुँचे? 44वें दिन हो गए, सरकार सुन नहीं रहे, फिर सुनने का कोशिश नहीं कर रहे? नियमितीकरण चाहिए अपन लोग को। नियमितीकरण चाहिए तो कैसे चाहिए? जब तक नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या कुछ समस्या आ रही है आपको? समस्या आ रही है, बहुत सारी समस्या आ रही है, जैसे रहने में, सोने में, खाने में दिक्कत है, तो एडजस्ट करके रह रहे हैं। ठीक है, कुछ और युवा उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है, किस तरीके से उनका प्रदर्शन है। कहाँ से है भाई? मैं बलौदा बाजार जिले से हूँ, यहीं से अब 44 दिन हो गए हम लोगों का हड़ताल का, अब यहीं रहते हैं, मच्छर वच्छर काटता है, गंदे नाली के पास वहीं पे धरना स्थल। कल बारिश भी हुआ था? बारिश भी हुआ था, हालत बहुत ख़राब है, 2-3 महीने से पेमेंट भी नहीं मिले है, सरकार के कोई नुमाइंदे हम लोगों से मिलने नहीं आ रहा है, न ही कंपनी प्रबंधन की। हम लोग बहुत बार मिलने के प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम लोगों से वो सरकार मिलना ही नहीं चाह रहा है। एक बार मिलने के लिए बुलाया था, वार्तालाप हुई थी लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया है। 3 महीने तक और बैठा के रखेंगे लेकिन नहीं आएंगे करके भी बोलते हैं कंपनी वाले। तो क्या छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया युवाओं का सुनने वाला कोई है कि नहीं है? अभी तक तो कोई नहीं है, ऐसा लगता है खाली बोलने के लिए है कि हम लोग छत्तीसगढ़िया सरकार है, ऐसे सरकार है करके। कोई इतना दिन हो गया, कई बार लेटरबाजी हो गया, आते हैं अपर कलेक्टर आए थे, तहसीलदार आते हैं, खाली लेटर को लेके जाते हैं, मुलाकात करवाएंगे करके आज 44 दिन हो गया, आज तक मिलने कोई आया ही नहीं है, और कब करवाएंगे, कब होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। मतलब हम लोग ऐसे समझते हैं हम लोगों के, हम लोग यहाँ के है ही नहीं, छत्तीसगढ़ के है ही नहीं, और कैसा छत्तीसगढ़ कैसा संवेदनशील सरकार है हमको आज तक पता नहीं चला है। संजय कुर्रे नाम है इनका और इनका दर्द साफ तौर पर सरकार के खिलाफ है और सरकार के खिलाफ आक्रोश इनका जायज है क्योंकि लगातार कई महीनों से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ और युवाओं से भी बातचीत करेंगे, क्या लगता है उनकी क्या कुछ सूद है। भाई आपका नाम क्या है, कहाँ से पहुँचे? मैं देव कुमार हूँ, मैं रामिकापुर क्षेत्र से आया हूँ। हाँ। और यहाँ हम लोग 44 दिन से बैठे, मुझे ही पता है। सुन क्यों नहीं रहे सरकार? ओ तो सरकार पता नहीं क्यों नहीं सुन रहा है, क्योंकि हम लोग को सूद नहीं ले रहा है 44 दिन से। इतने तपती धूप में हम लोग प्रतिदिन लगातार मतलब 44 दिन से धरना देते आ रहे हैं, फिर भी हमारी ना कंपनी प्रबंधन सूद ले रही है, ना शासन प्रशासन कोई सूद ले रहे हैं। और आज सीएम से मिलने सीएम हाउस घेराव करने जा रहे थे तो हमें बीच में ही रोक लिए हैं। आप लोग सीएम से मिलने की बात करते हैं और दूसरे और सीएम हाउस का घेराव करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा पर कंपनी प्रबंधन बताते हैं कि हमारा जो निर्णय है वो सीएम साहब ही बताएंगे करके, तो हम वही कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके हम बहुत जल्द सीएम से मीटिंग करें। जो भी करना है सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर है, क्या लगता है? भूपेश से तो भरोसा है, कब तक मानेंगे भूपेश बघेल? छत्तीसगढ़ के युवा कितने सारे लोग हैं आप लोग? हम लोग लगभग 2500 संविदा कर्मचारी हैं। 2500 की आवाज़ नहीं सुन रहे? नहीं सुन रहे हैं। क्या लगता, सुनेंगे? अब भरोसा भूपेश है तो भरोसा है, अब सुनेंगे।
भरोसा है तभी तो अभी टिके हैं और टिके रहेंगे। जब तक हम लोग न्याय नहीं मिल जाएगा हम लोग तब तक हम टिके रहेंगे। खाना पीना कैसे होता है ये बताओ मुझे, क्योंकि 44 दिन उससे पहले और घर में स्थिति कैसी है, क्योंकि बिजली कर्मचारियों का व्यवस्था किस तरीके से होता है और क्या लगता है और आगे आप लोग इस आंदोलन को जारी रख पाएंगे, क्योंकि पैसे का भी प्रॉब्लम होता है। हाँ तो पैसे का प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें क्या है हम अपने कुछ पर्सनल चीज़ को गिरवी रख दे रहे हैं ताकि जिसे हम लोग अपने, और खाने पीने की बात हुआ तो हम लोग क्या है कहीं भंडारा मिलते रहता है वहाँ खा लेते हैं या तो कहीं और कुछ खा लेते हैं, वही मतलब भरपेट खाना नहीं खा पा रहे हैं हम लोग। ये सब हमारे शोषण कर रहे हैं हमारे बिजली कंपनी प्रबंधन और सरकार। घर में स्थिति कैसी है अभी, क्योंकि स्थिति क्योंकि आप जॉब भी नहीं करते, पेमेंट भी नहीं आ रहा है, तो घर में स्थिति कैसी, कैसे चल रहा है घर का स्थिति? अब हम ही जॉब वाले हैं तो हमारे ऊपर टिका था, तो अब कैसी करके मैनेज कर रहे हैं? कैसे मैनेज करो ये तो बता रहा हूँ मैं, मतलब मजदूरी करके इधर उधर छोटा मोटा काम करके। अब हमें भी पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं जो यहाँ हम लोग को प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है उसके बारे में। कुछ और युवाओं से जानना चाहेंगे कि उनकी दशा क्या है, कुछ और युवाओं से बातचीत करेंगे कैसा है उनका हाल है, क्या कुछ उनकी स्थिति है, तस्वीर दिखाएंगे। बड़ी लंबी दूरी है, हमको अभी लंबी दूरी तय करना है और सभी युवाओं को दिखाना है कि किस तरीके से उनकी स्थिति है। भाई कहाँ से आए हैं? मैं जहांगीर चापा से आया हूँ, रायगढ़ क्षेत्र से। कैसे हाँ कैसे लगा थे? 44 दिन हो गए आंदोलन जारी है, सरकार नहीं सुना थे? सरकार सुनना नहीं चाहते और लेकिन सब बात ले जाना थे भाई, सब बात जाना थे, हम उनके सब दुख ले भी जाना थे लेकिन बस रेगुलर नहीं करे थे, रेगुलर करवा दो और हम उनके दुख दर्द तू चुन बताहा। सब आदमी हम के 26 आदमी ख़त्म हो गए हमारे जो साथी रिश्ते, यही आसम है कि हम काम करते थे इतना रेगुलर से ज़्यादा काम करते रिश्ते, एकदम खतरा से काम करते रिश्ते, अगर रेगुलर ही नहीं करना रिश्ते तो इतना खतरा काम कब करवाते रिश्ते। ये हाथ हाथ थोड़ा ये कैसे हो गए? ये काम करते जला है सब स्टेशन अंदर में। तो सत्ताधीशों में बैठे सरकार और सरकार के नुमाइंदों को ये दिखाना चाहूँगा कि ये हाथ है उन छत्तीसगढ़ युवाओं का जो लगातार आपके घर तक बिजली पहुँचाते हैं और ये हाथ कई बार चपेट में आ जाते हैं। अगर ये हाथ पूरी तरह से चपेट में आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि काम के लायक नहीं रहेंगे और ये जान को जोखिम में डालकर काम करते हैं। और ये युवा जांजगीर चांपा से आए हैं, घर में स्थिति कैसा है, कैसे चल रहा है घर की स्थिति? गरीब किसान परिवार से हूँ, इसी जॉब के भरोसे अपने आए थे पूरा परिवार चलाने, लेकिन अभी ऐसा ही स्थिति है कि रोड पे आ गए हैं। और आप जो बोले ना कि ये अगर हाथ और कुछ हो जाता, अपने बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अपना हाथ खो दिए हैं, पैर खो दिए हैं और अपना अभी भी ऐसा ही स्थिति है कि अगर कुछ फिजिकल अगर देना तो कहीं कुछ कर नहीं पाएंगे। तो 44 दिन आपको यहाँ हो गए, घर कैसा चल रहा है, घर के मैनेज कैसे हो रहे हैं पैसे का, आप यहाँ पर कैसे रह करते खाने के लिए, पैसे का दिक्कत होता होगा? ये सब दिक्कत तो पहले से ही था, हम लोग संविदा में थे तो भी उसी दिक्कत को अपन दूर करने के लिए यहाँ पर आए हैं ताकि हमको रेगुलर कर दे और हमारी जो वित्तीय स्थिति अच्छी हो जाए, फाइनेंशियल कंडीशन। अभी स्थिति कैसे मैनेज कर रहे हैं, ना आप जॉब में जा रहे हैं ना आपको पेमेंट मिल रहा है, यहाँ रहना खाना कैसे हो रहा है? तब किसान के बेटे हैं, अपना अपना जो माता पिता अभी भी जिंदा है वो हमको जिला रहे हैं, अभी हम उनके लिए लड़ रहे हैं ताकि हम उनको जो अभी गरीबी स्थिति जो जी रहे हैं ना उससे अच्छी स्थिति जिए। एक अच्छे भविष्य का सपना लिए छत्तीसगढ़ के युवा सरकार से गुहार लगा रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डालकर वे काम कर रहे हैं और वे उम्मीद कर रहे हैं भूपेश सरकार से, भूपेश है तो भरोसा के नारे इस मंच के माध्यम से लगातार लग रहे हैं और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि उनकी मांग पूरी हो जाती है तो उनकी दयनीय स्थिति, उनके जान के बदले परिवार को वो अपने नियमितीकरण को देना चाहते हैं ताकि उनका परिवार खुशहाल रहे। और भी युवा है, बहुत लंबी लाइन है, उनसे भी जानना चाहेंगे और उनसे पूछना चाहेंगे कि उसकी स्थिति कैसा है और लगातार उनका प्रदर्शन जारी है। इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, कहाँ से पहुँचे आप? मैं रायपुर ग्रामीण से हूँ, धमतरी से और घर बिलासपुर में। हाँ कहाँ लगा थे, कब तक आप मन के मांग पूरा हो जाए? मांग तो अभी पिछले हम 44 दिन से बैठे हैं,
लेकिन हम अभी आज मुख्यमंत्री निवास के घेराव के लिए निकले हैं, लेकिन बीच में ही पुलिस में रोक दिए हैं। तो अभी तक तो हमार कंपनी और सरकार तरफ से कोई सुध नहीं लिए गए है, और लाइन में तो बहुत अभी दिक्कत आते ग्रामीण क्षेत्र मन में भी, जब से हम हड़ताल में हैं तब से। तो हमार के मांग जितना जल्दी हुई उतना ही अच्छा हुई ग्रामीण मन के लिए भी। हो ठीक है, कहाँ नाम है भाई तोर? मेरा नाम तरुण कुमार महिलांग है, मैं राजनांदगांव ग्रामीण से हूँ। मैं छत्तीसगढ़ शासन से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोगों का मांग को जल्दी से जल्द पूरा किया जाए। हमारा प्रथम मांग है हम लोगों का 2500 संविदा कर्मियों का नियमितीकरण किया जाए, जो रिक्त पद 3200 है उसी में हमको नियमित किया जाए। और साथ ही हमारा दूसरा मांग, हमारे शहीद भाइयों को अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए, उनके परिजनों को और उचित मुआवजा दिया जाए। ठीक है, तो निश्चित तौर पर इनका मांग एक ही है और मांग को लेकर लगातार 44वें दिन भी ये लोग डटे हुए हैं और सरकार से लोग यही गुहार लगा रहे हैं कि छत्तीसगढ़िया सरकार होने के नाते छत्तीसगढ़ युवाओं का सुने और उनकी मांग पूरा किया जाए। कुछ और भाई उनसे बातचीत करेंगे, कहाँ से आए हैं? मैं कवर्धन जिला से आया हूँ, तरेगांव डिस्ट्रिक्ट है मेरा, पंडरे डिवीजन में रहता हूँ मैं। 44 दिन हो गए डटे हुए, घर में स्थिति कैसा है, किस तरीके से आप लोग घर घर भरपाई कर रहे हैं, यहाँ किस तरह से खाना पीना का आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं? यहाँ का गुजारा बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है। यहाँ जो है कल के मौसम में बहुत ही लोगों का तबीयत भी ख़राब हो गया था और घर में ऐसे मुश्किल आ गया कि हम लोगों के पास खाने के लिए भी स्थिति ख़राब हो गया है। घर में भी बुलाते हैं कि कितने दिन चलेगा बेटा आप लोगों का हड़ताल, लेकिन हम लोग मजबूर हो गए हैं जाने के लिए कि यदि रेगुलर के बिना हम जाएंगे तो अपने घर में क्या शक्ल दिखाएंगे, ये सोच रहे हैं। घर के लोग बोलते हैं कि ऐसे सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे बिजली विद्युत के बिना कुछ चलते भी नहीं है, फिर भी क्यों नहीं सोचते आपके लिए, सबके लिए करते हैं लेकिन आप लोगों के लिए क्यों नहीं करते, सोच रहे हैं घर के लोग। तो बिना रेगुलर हुए हम लोग जाएंगे घर तो क्या शक्ल दिखाएंगे करके नहीं जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सरकार सुनेगा, क्योंकि पहले भी कर चुके हैं 44 दिन अब और हो चुका है जी। सरकार भूपेश से तो भरोसा है, लेकिन हम लोगों को इतना लेट क्यों कर रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। अन्य विभाग के लोगों के लिए तो बहुत जल्दी सुन लेता है, लेकिन हम लोग 44 दिन से यहाँ बैठे हैं धरने पर। आप लोग तो खतरों को खिलाड़ी हो। हाँ, खतरों के खिलाड़ी, हम लोग खुद पता नहीं था कब हम ना करंट से झटका खा कर गिर। मतलब तो ऐसे लगा थे भैया कि सरकार है सुना थे लेकिन अनदेखा कर रहे हैं, जानबूझ के जो है ना अपन जो है ना संविदा कर्मचारी नियमित कर्मचारी मांग पूरा करे के लिए जो है ओला वोट बैंक जरूरत हो जो है वो एक साथ चाहते कि चुनाव टाइम में रेगुलर करूँ तो मतलब वोट बैंक मिल ही, और ऐसे हमारा रेगुलर नहीं कर पाते। जब हमर मन के जब नियम हवे कि हर 2 वर्ष में जो है हमारा नियमित करे जाते जो है पूर्व में 2007 में 2011 में 2013 में हमारा नियमित करे हवे संविदा कर्मचारी मल्ला, तब पता नहीं शासन ला कहा होते कंपनी प्रबंधन ला कहा होते कि हमारा नियमित नहीं करते, हम समझ नहीं आते भैया। हमन बस शासन से प्रबंधन से बस एक ही मांग रहा था कि हमारा जल्द से जल्द नियमित कर दे, हमन मन काम वापस लौटना चाहथन, काम करना चाहथन, बिजली बोर्ड की सेवा करना चाहथन, जनता की सेवा करना चाहथन, बस हमारे मन के मांग दो बस मांग हवे तो हमारा नियमितकरण कर दे। हम जबकि हमारे विभाग में जो है 3200 पद रिक्त हवे जिमें हम सिर्फ चाहथन कि हमारा नियमित कर दे, बाकी जो 700 पद बचत हवे ओमा जो है भर्ती ले लेना जो है, और बाकी जो हमारे शहीद भाई 26 भाई शहीद हो चुके हैं अगर परिवार जो है ना अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए, और मतलब अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाए तो मतलब मुआवजा दिया जाए। और बस यही मांग है भैया दो ठाकुर के जो है जो शासन से हम निवेदन करते हैं शासन से प्रशासन से भूपेश सरकार से जो है कि हमारे मांग जल्द से जल्द पूरा कर जाए, हम बस यही मांग है भैया हम जो है बस यही। मैं ये पूछना चाहता तौर से कि घर में स्थिति कैसी है, 44 दिनों के प्रदर्शन करत ना पेमेंट आते अभी तो काम नहीं करता था, तो घर की स्थिति कैसे जाते हो, संगे संग यहाँ 44 दिन हो गए, खाना पीना कैसे होते? अब कैसे कर भैया, हालत तो टाइट है, सब कुछ जो है मजबूरी है सब लोग जो है, अब हमारा शौक नहीं यहाँ बैठे के जो है, लेकिन जब हमारे घर से जो है अब सेविंग्स जो रही से हमारे सेविंग्स बचे रही से ओकर यूज़ करके जो है घर में समझा दे हैं कि हमारे रेगुलर होकर बाद ही आबो, इसे जो है घर भी नहीं जा पाते हम जो है घर में बोल के आएन कि माँ पापा मन रेगुलर होबो तभी हमन घर वापस लौटबो, ऐसे करके जो है तो यही हन यही जिया था जैसे भी मिला थे 2 वक्त रोजी रोटी ऐसे जो है संघ की तरफ से व्यवस्था करे कि खाना वाना के करा था खाना खा था जो है 2 वक्त की रोटी अभीला खा के यहाँ हवन हड़ताल में भिड़े हन, और हम उनके बस यही है कि जब तक रेगुलर नहीं हो तब तक हड़ताल नहीं छोड़ना नहीं है और यहाँ से जाना नहीं टाना नहीं अपना रेगुलर जो है ठीक ना, यही हमारे उनके हवा जो है। तो ये युवा है जिनसे हम बातचीत करें लगातार, उनका संवेदना सुन रहे हैं, वेदना सुन रहे हैं कि किस तरीके से उनका जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और दूर दूर से युवा है उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई आपका, कहाँ से हैं? मैं जगदलपुर से आया हूँ, जगदलपुर बस्तर से। क्या नाम लिखते हैं? मैं रामकृष्ण, सॉरी राम कुमार जी। ये जानना चाहेंगे
44 दिनों के यहाँ बैठे हुए, खाने पीने की व्यवस्था कैसे, तो घर में स्थिति कैसा है, क्या लगता है घर में अगर इसी तरह से स्थिति रहे तो क्या कुछ हो सकता है? यहाँ हम लोगों का है दो सूत्री मांग है हम लोगों का, सबसे पहला है नियमितीकरण और दूसरा है हमारे जो शहीद भाई है उसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए और उसको अनुकंपा नियुक्ति मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ सरकार हम लोगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ हमारे ज़िंदगी का सवाल, जिस प्रकार एक फौजी का ज़िंदगी कोई ठिकाना नहीं रहता, उस प्रकार से हमको भी अपना काम के प्रति हम कोई शासन के प्रशासन की तरफ से कोई उचित मुआवजा या उसके परिवार को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। कब मर जाएंगे और कब मिट जाएंगे इसका ज़िंदगी कोई ठिकाना नहीं है। और हमारे घर की स्थिति है कि हमारे घर वाले बोल दिए हैं कि आप यहाँ मैदान में आए हो लड़ने तो निमिति लेके ही आना, नहीं तो घर मत आना, इस प्रकार से हमारे घर में बोल के आए हैं और घर वाले भी हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ और युवाओं से बातचीत करेंगे, एक बुजुर्ग इंसान दिख रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। भैया कहाँ कहाँ से आए आप? मैं एक सर्विस मैन टिकेश्वर प्रसाद साहू, ननकट्ठी दुर्ग। क्या कहना चाहेंगे? मैं इस मामले में पूरा कहना चाह रहा हूँ भूपेश बघेल को जल्द जल्द नियमित कराना चाहिए हम लोग को, क्योंकि ये जो काम है हम लोग का संविदा वाले बहुत रिस्क वाले काम है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो स्थिति को किस तरह देखते हैं आप लोग? अभी जो स्थिति चल रहा है सरकार और प्रबंधन दोनों मिल के हम लोग को बहलाया जा रहा है और आगे कुछ निर्णय नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये लगातार इन युवाओं का आवाज है, युवाओं का आवाज लगातार दहाड़ रहा है और भूपेश बघेल से मिलने के लिए यहाँ पर डटे हुए हैं और इनका कहना है कि आज सीएम भूपेश बघेल को मिलना पड़ेगा और मिलना पड़ेगा इसी विश्वास के साथ ये युवा लगातार 44वें दिन भी इस धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। कैमरा पर्सन सुजीत कुमार के साथ आज मुकेश वर्मा, रायपुर छत्तीसगढ़।